वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक बी सेल्स। दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों जीपी व्हाट्सएप का जो एफएम वर्जन है उसको किस प्रकार से डाउनलोड करें या इंस्टॉल करें और उसमें किस प्रकार से लॉगिन करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, एफएम व्हाट्सएप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब इसको लॉगिन करने का प्रोसेस चलिए आगे देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहें दोस्तों। सबसे पहले अब इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अलाउ करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अलाउ करने के बाद क्या यहाँ पे अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आगे बढ़ें पे क्लिक करना पड़ता है, यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना पड़ता है और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमने डाल लिया दोस्तों। तो अभी अब क्या करना है, अगला वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। आपका अगर जो लैंग्वेज हिंदी होगा तो अगला यहाँ पे आएगा और यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। आप सिंपली इस पर क्लिक करना होता है। सिंपली जैसे आप क्लिक करेंगे, क्या यह नंबर सही है, यस यह नंबर सही है, हाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद से कोड भेजने के लिए भेज देना है, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉग इन, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ से बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, जीपी व्हाट्सएप को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेंजर डालेंगे, व्हाट्सएप मैसेंजर, ठीक है दोस्तों। व्हाट्सएप मैसेंजर हो गया, ये आपको क्या करना पड़ता है, इसको सबसे पहले तो इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल नहीं, यू नी इंस्टॉल कर देंगे इसको। फिर से इसको इंस्टॉल किया जाता है, फिर से अब इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जब तक इंस्टॉल होता है दोस्तों, तब तक ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि हमारा मोटिव होता है, ठीक है दोस्तों। और जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करें। ओपन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से हो व्हाट्सएप मैसेंजर का हो गया। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए जो अपना लैंग्वेज यहाँ पे सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। जो भी लैंग्वेज के आप हैं आप यहां से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पे एरो वाले राइट साइड कॉर्नर में एरो वाला नीचे की तरफ में दिखा रहा होगा, ग्रीन, सिंपली उस पर क्लिक करना है। सिंपली जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता है। एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से अलाउ करने के लिए आएगा, ठीक है दोस्तों। अलाउ करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर वही नंबर डालेंगे जो उस मेल में FMGB व्हाट्सएप में हमने डाला था, ठीक है दोस्तों। वही नंबर हम डाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां से इज दिस करेक्ट नंबर, यस करेक्ट नंबर है हमारा। देखिए अभी OTP के लिए आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे OTP आएगा, ऑटोमेटिक OTP वेरीफाई हो जाएगा और ये हमारा व्हाट्सएप क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी देखते हैं, देखिए दोस्तों हमारा OTP आ गया। अभी क्या करेंगे, 2-स्टेप वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हमारा लॉगिंग हो गया। यहाँ पे अलाउ कर देंगे, अलाउ कर देंगे, अलाउ कर देंगे, अलाउ कर देंगे। यहाँ से देखिए
कुछ इस प्रकार से इसका बैकअप दे रहा है। ठीक है, इसको स्किप कर देंगे हम यहाँ से। इसको स्किप करने के बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे दे रहा है क्रिएट पास की। ठीक है दोस्तों, मेक श्योर नेक्स्ट लॉगिंग इरेजर। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करना है, स्किप पे क्लिक कर देना है। स्किप पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका देखिए इंटर योर टू स्टेप वेरिफिकेशन पिन डालना पड़ता है। ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन पिन डाल देंगे और अपने व्हाट्सएप को यूज आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट में हैं व्हाट्सएप वाले, सबको यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको क्या करना पड़ता है, इसको बैक जाना पड़ता है। इसको बैक जाएंगे और यहाँ से बीच से कटिंग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बीच से कटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपने एफएम व्हाट्सएप को ओपन करेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, एफएम व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वही नंबर डाल के दिखाते हैं, 96। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डालना पड़ता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे इज दिस करेक्ट नंबर, यस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से दिखा रहा है, यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दिखा रहा है दोस्तों नंबर टू नॉट वेरीफाइड। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दिखा रहे हैं। अभी आपको क्या करना पड़ता है, एफ एम व्हाट्सएप तो लॉगिन नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, लिंक चलिए एडिट डिवाइस करके देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करना है, सिंपली आपको अपने व्हाट्सएप में चले जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद राइट साइड में थ्री डॉट दे रहा होगा, क्यूआर कोड दे रहा होगा फर्स्ट में, उसके बाद से कैमरा और उसके बाद से थ्री डॉट दे रहा होगा। सिंपली आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, लिंक और डिवाइस पे क्लिक करना है। लिंक और डिवाइस पे क्लिक करके यहाँ से यूज मोबाइल डाटा को ओपन कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे आपका पिन मांगेगा, जो भी स्क्रीन का लॉक हो, फिंगर लॉक हो, पैटर्न हो, जो भी हो आप खोल लीजिएगा उसको। खोलने के बाद दोस्तों अभी क्या करना पड़ता है, सिर्फ ओके पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने इसका स्कैन करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ से बीच से कटिंग करेंगे। बीच से कटिंग करने के बाद दोस्तों जाएंगे एफ एम व्हाट्सएप में। ठीक है दोस्तों, एफ एम व्हाट्सएप में जाएंगे और यहाँ पे डाले थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और लिंक एज कंपैरिजन डिवाइस पे क्लिक करना होता है। सिंपली इस पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इनके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कर लेना है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लेना है, नहीं तो दूसरा कोई मोबाइल हो उसको आप इसमें फोटो खींच लेना है दूसरे मोबाइल में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, स्कैन द कोड यूज व्हाट्सएप फॉर मोर देन वन फोन लॉगिंग टू इन टू प्राइमरी फोन एवरी 14 डे सो फोन स्टे कनेक्ट। ठीक है दोस्तों, 14 दिन के लिए किसी भी मोबाइल में आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं पूरी आसानी से। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पे इसका फोटो खींच लेते हैं। इसका फोटो खींचने के बाद चलिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सिंपली इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप दूसरे मोबाइल में इसका फोटो खींच लीजिएगा और ठीक है यहाँ से बीच से कटिंग करेंगे इसको। ठीक है, बीच से कटिंग करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे।
इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे स्कैनर वाला ऑप्शन सा आ गया, ओके पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो, टू लिंक और डिवाइस टू व्हाट्सएप अलाउ एक्सेस, ठीक है दोस्तों, कैमरा यू कैन द क्यूआर कोड, ठीक है दोस्तों। मैं वीडियो को थोड़ा टाइम के लिए पुश करता हूँ, एक अपना मोबाइल लेके आता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों FM व्हाट्सएप को हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन यही प्रॉब्लम दिखा रहा है, कोड लिंक और डिवाइस वाला ऑप्शन से आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी आपको परेशान नहीं होना है, ऑफिशियल व्हाट्सएप मैसेंजर को यूज करना है, ठीक है दोस्तों। ये सब थर्ड पार्टी ऐप है, इन सबको यूज करने में आपका डेटा रिस्क भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अभी ये लॉगिंग नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी आप क्या करिए, व्हाट्सएप मैसेंजर को यूज करिए, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को यूज करिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।